बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ हाफिज़ हकीम हिज़्बुल्लाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अज़ीज़िया दवाखाना। दोस्तों, 50 साल पुरानी भी कब्ज़ अगर हो, सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन में कब्ज़ का नाम और निशान गायब हो जाएगा। और कितनी ही दायमी कब्ज़ हो, इंशाल्लाह फौरन ख़त्म हो जाएगी सिर्फ इस नुस्खे की मदद से। ये जो नुस्खा आपको सिर्फ 2 चीज़ें सामने दिख रही हैं, नुस्खा आपको पूरी तफसील से बता देता हूँ, इस्तेमाल कैसे करना है और बनाना कैसे है, कितना कितना वज़न इन दवाओं का लेना है। तो वीडियो को आखिर तक देख लें, इंशाल्लाह आपका जो कब्ज़ वाला मसला होगा वो 100% हल हो जाएगा, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है। तो वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से मेरी एक ही गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर साथ में लगे घंटी के बटन यानी बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दें, ताकि आपको ऐसी बेहतरीन हेल्थ से रिलेटेड और मुजर्रब वजीफ़े वक्तन बवक्तन मिलते रहें और आप इन बेहतरीन नुस्खों से फ़ायदा उठाते रहें और मेरे लिए दुआएं करते रहें। तो जी, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, ये आपकी मोहब्बत होगी। सबसे पहले आपने लेने हैं बादाम, आपने देख ही लिया होगा ये तो शुरू में ही, बादाम शीरी मतलब मीठे बादाम खाने वाले, कितने 10 तोला यानी 120 ग्राम बादाम ले लिए। उसके बाद ये जो आपको पत्ते दिख रहे हैं, ये है सना, सना के पत्ते, ये आपने लेने हैं 96 ग्राम या 90 कर लें, यानी 8 तोला ले लिए। उसके बाद आपने दोनों दवाओं को पीस लेना है बारीक, फिर जैसे हम आटा गूंथते हैं ऐसे इस दवा में हसबे ज़रूरत शहद डालकर आटे की तरह आपने गूंद लेना है और गूंद कर चने के बराबर गोली बना लेनी है। एक या दो गोली रात को सोते वक्त पानी के साथ आपने इस्तेमाल करनी है। 3 दिन के अंदर अंदर कैसी ही शदीद कब्ज़ हो, फौरन कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी और आप 70 या 72 बीमारियों से हिफाजत में रहेंगे। और बवासीर भी जो है वो कब्ज़ की वजह से ही होती है, तो आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो और नुस्खा समझ आ गया हो तो लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, हो सकता है किसी को आपकी वजह से या मेरी वजह से फ़ायदा हासिल हो, इससे बेहतर तो कोई बात नहीं है। तो शुक्रिया वीडियो देखने का, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।